हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल शेयर करूंगी उसका नाम है बायोडर्मा सीबम हाइड्रा मॉइस्चराइजर एक्नी प्रॉन स्किन। सो आप देख सकते हो इस तरह का एक प्लास्टिक के ट्यूब में ये मिलता है और ये 40 ml का है और इसकी प्राइस है 1150। थोड़ी सी आपके बजट के ऊपर है और ये एक्नी प्रॉन स्किन में ही यूज किया जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी जो पैकेजिंग की वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, साथ ही साथ मैं शेयर कर दूंगी इसकी इंग्रेडिएंट। सो अब मैं बताऊंगी कि इसे यूज कैसे करते हैं। नॉर्मली आपके फेस को वॉश करने के बाद इस सीबम हाइड्रा मॉइस्चराइजर को आप फेस में यूज कर सकते हो और इसकी कंसिस्टेंसी जो है देख सकते हो व्हाइट कलर का कंसिस्टेंसी है और ये थोड़ी बहुत मुझे हेवी लगा है और थोड़ी बहुत लेने से ही आपके स्किन जो है वो पूरे तरीके से ये एप्लीकेशन जो है हो जाएगा। मुझे तो ऐसा ही हुआ है और आपके हिसाब से कितना लगेगा आप यूज कर सकते हो। बस मुझे लगा थोड़ी बहुत से ही मेरी फेस जो है वो कवर हो चुका था। इसे बेसिकली यूज किया जाता है मेकअप बेस में, मतलब आप अगर मेकअप करते हो तो अब आपके अगर फेस एक्नी प्रोन है तो आपको कंफ्यूज हो जाता है कि आप कैसे कौन से मॉइस्चराइजर यूज करें। कभी आप पॉन्ड्स यूज कर लेते हो, कभी आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर लेते हो, तो उसे क्या होता है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपके स्किन मेरी तरह ऑयली एक्नी प्रोन है तो आपको पिंपल और ब्रेकआउट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसे यूज करके वही प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं फेस करना होगा। मैंने इसे खुद ट्राई किया है और मुझे बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइजर मुझे सारे मॉइस्चराइजर से ही एलर्जी है। मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर अगर मैं यूज करती हूँ तो मुझे ब्रेकआउट्स और पिंपल हो ही जाता है, लेकिन मैंने इसे यूज किया है और इसे यूज करते ना मुझे कोई भी पिंपल और एक्नी की प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसकी यूजिंग बस यही है कि आपको मेकअप से पहले इसे यूज करना है, बाकी आप आपके स्किन को सॉफ्ट करने के लिए या विंटर में हो या एनी सीजन में अगर आपके स्किन में बहुत ज्यादा डलनेस हो गया है, ऑयली स्किन में भी होता है, अगर आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत है और आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो आप इसे यूज कर सकते हो। ये क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है और इसमें जो लिखा है मैं पढ़ के बता नहीं सकती क्योंकि ये लैटिन अमेरिका के स्पेलिंग में है। इससे अच्छा ये है कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो डिटेल्स वगैरह है वो मैं शेयर कर दूंगी। और इसे यूज करते वक्त आपको आपके स्किन में अगर जलन की प्रॉब्लम है ये भी इसे रिड्यूस करता है। अगर आपके स्किन में कोई भी क्रीम लगाते ही जलन होती है तो इसे यूज करने से वो दिक्कत नहीं होगी और आप कोई भी स्किन में इसे यूज कर सकते हो। स्पेशली एक्नी प्रोन स्किन के लिए ये क्रीम यूज किया जाता है। सो आई होप आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई हो। अगर फिर भी कोई बातें समझ में नहीं आ रही या आपको लगता है कि पूछ लेना चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो या मेरी कोई भी आईडी पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू प्रोडक्ट के डिटेल्स को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय एंड टेक केयर।